तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से जो दिल्ली वासी हैं वो दो चार हो रहे हैं। ये कनॉट प्लेस की हम आपको हालत दिखा रहे हैं, दिल्ली का दिल जो कहा जाता है कनॉट प्लेस, वहां देखिए इस तरह की हालत नजर आ रही है। पहली बारिश के बाद ही किस तरह की स्थिति वहां पर हो गई है, सड़कें जलमग्न है, लबालब भरी हुई है वहां पर सड़क। वहां पर आप किस तरह से निकलिएगा, वहां पर ट्रैफिक जो है वो किस तरह से वहां से जाएगा, और जाहिर है कि फिर ऐसे में जाम जैसी जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाएगी। ये लुथियन जोन की अगर हम बात करें, ये हम आपको जो तस्वीरें हैं जो वीवीआईपी इलाके हैं उनकी दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट की तस्वीरें, ये लग रही है आपको सुप्रीम कोर्ट वैसे ही लग रहा है जैसा आपको अमूमन जब आप देखते हैं बाकी दिनों में वैसे ही देखने को मिलता है? बिल्कुल नहीं, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का, ये मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां पर जल भराव हो चुका है और किस तरह की स्थिति यहां पर बन चुकी है। ये जाम की हालत है और फिर उसके बाद यहां से क्योंकि जल भराव है और आईटीओ में तो हमेशा ही आपको इस तरह का हाल देखने को मिलता है, और फिर जब बारिश हो गई है, वाटर लॉगिंग वहां पर हो गई है, जल जमाव वहां पर हो गया है, तो फिर आप देखिए कि किस तरह से, मतलब जहां आपको बाकी दिन एक डेढ़ घंटा लगता होगा जाम में फंसे होने के बाद की बात मैं कर रही हूँ कि जाम ही जाम में एक डेढ़ घंटा आपको लगता है वहां से निकलने में, तो वहां आपको दो से तीन घंटे भी लग सकते हैं। ये स्थिति हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि कुछ इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है, लंबा लंबा जाम यहां पर नजर आता है। और मिंटो ब्रिज पहुंचे हमारे सहयोगी लोमस झा, वो क्या दिखा रहे हैं वहां की तस्वीरें और उसके आसपास के इलाकों का हाल, जरा ये भी देखिए। दिल्ली में मानसून की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दिल्ली वाले इस बात को लेकर परेशान है कि मानसून की शुरुआत में जहां दिल्ली की स्थिति इस तरीके से है, जब मानसून अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगी तो दिल्ली का क्या हाल होगा। आपको तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, हम आईटीओ से कुछ देर पहले, यहां हमारी गाड़ी एक जाम में फंसी हुई है। अब जाम ये भी काफ़ी लंबा है, लगभग 2 किलोमीटर का ये जाम है जहाँ गाड़ियाँ रेंगती हुई चल रही हैं, लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और लोग जहाँ अपने ऑफिस लिए निकले हैं उनको भी लंबा जाम में इंतजार करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ियां काफी रेंग रही है और काफी देर से यहां पे गाड़ियां खड़ी है, और ये मानसून की शुरुआत भर है। और दिल्ली में जिस तरीके से व्यवस्था है उससे पूरी तरीके से सरकार की व्यवस्था को लेकर के पोल खुलती हुई यहां पे ये मानसून दिख रही है। तो आईटीओ से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे हमारे सहयोगी लोमस झा की, लेकिन अभी इस वक्त मिंटो ब्रिज पर मौजूद है हमारे सहयोगी लोमस झा। लोमस, अभी क्या है हाल वहां पर? बिल्कुल हिमानी, अगर बात करें दिल्ली की तो हमारे दिमाग में आता है विकास, अच्छी सड़कें, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम और साथ ही अच्छी ड्रेनेज सिस्टम, लेकिन जब पहली बारिश होती है तो इनकी पोल खुल जाती है। साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से ये पहली बारिश नहीं, दिल्ली सरकार की पूरी तरीके से पोल खोल दी, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। अभी हम आपको बता दें, अभी हम मिंटो रोड पर मौजूद हैं और ये वही ब्रिज है जो हरदम पहली बारिश के बाद उसकी तस्वीरें लगाता रही टीवी स्क्रीन पे। आम दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता देखती है किस तरीके से पानी पूरी तरीके से लबालब भरा रहता है, और आज भी वही हाल था। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी सफाई चल रही है पूरी तरीके से, जो ड्रेनेज के अंदर जो गंदगी थी वो बाहर निकल आई अचानक से, और पूरी तरीके से ये गंदगी देखिए सड़क पर जमा हो गई, उसके बाद अभी भी सफाई का काम चल रहा है। और आप अगर बात करें सुबह का, जब ये बारिश की शुरुआत हुई तो ये पूरा जो मिंटो रोड था वो लबालब पानी से भर गया था, और अगर बात करें तो ये दोनों ही सिरे पे, अगर जो सीपी का सिरा है और साथ ही जो नई दिल्ली का सिरा है, वो पूरी तरीके से पानी से लबालब भर गया था, लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि एक ट्रक यहां पे फंस गई थी और साथ ही एक जो कार थी वो भी फंस गई थी, लोगों को काफी मशक्कत के साथ यहाँ पे निकाला पड़ा। और जो लगातार ही आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो उनके नेता हैं, वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं 1936 में इस तरह की बारिश हुई थी। और ठीक है, बिल्कुल इसी तरह की जो दलीलें हैं वो दी जा रही है, वो आज भी 1936 में ही बैठे हुए हैं लोमस। लेकिन फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कुछ और तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि किस तरह की तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। ये देखिए, ये दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। किसी तरीके से यहाँ पर जो यात्री हैं, जिनको कहीं जाना है, जिनकी पहले से बुकिंग रही होगी, उनको आप यहाँ पर देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप यहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन भीतर स्टेशन का हाल देखिए, वहाँ पर चलने की जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है, और कितनी गंदगी वहां स्टेशन पर भी आपको नजर आ रही होगी। ये तस्वीर ये हम आपको रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं, लेकिन एनडीएमसी के जो वाइस चेयरमैन हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको वो बताते हैं। दिल्ली में हर साल इस तरीके मानसून आती है और हालात जस के तस बने हुए, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, हम अप्रत्याशित बारिश आज अचानक ही रात को हुई है,
और बहुत सारी जगह जहाँ पर हमारे पंप्स लगे हुए हैं, पानी एकदम तेज़ी से आने से वो पंप ने काम करना बंद किया, तो उसकी ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की है क्योंकि करंट पानी में नहीं छोड़ सकते हैं, और ऑल्टरनेटिव पंप लगाकर या ऑल्टरनेटिव कनेक्शन दे करके जितनी भी ऐसी वल्नरेबल पोजीशन है वहाँ NDMC स्टाफ सुबह से लगा हुआ है, और जो स्थिति आई है उसको ठीक से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, और भविष्य में भी इस तरह की और चीज़ें ना हो, ऑल्टरनेटिव कुछ अपर साइड में कुछ चीज़ों को लगाया जाए उसको देख रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और सांसदों का ये शिकायत है कि उनके जो आवास हैं उनमें पानी भर गया है, लेकिन NDMC को लगातार उनके द्वारा फोन किया जा रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। निश्चित रूप से हमने निर्देशित किया है अधिकारियों को, और स्पेशल मीटिंग बुलाकर भी जो हमारे कंट्रोल रूम है, और जो खास करके जो मुझे ये समझ में आया है कि जहाँ पंप्स हमारे लगे हुए हैं पानी अगर अचानक तेज़ी से आ जाए तो वो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिसिटी के कारण काम करना बंद करते हैं। अब उसको कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की जाएगी कि ऊपर की सतह पर हों जहां दोनों ही तरीके से प्रॉब्लम ना आए।